राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। और मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं। और यूँ ही बने रहिए ब्लॉग में, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ दोस्तों। तो अभी मैं ये शाम के ना खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने जो है शाम के टाइम से ब्लॉगिंग शुरू की थी। कभी कभी बनाती हूँ ब्लॉग, तो आज मैंने शाम को थोड़ा खाने का टाइम था, तो मैंने सोचा शाम को थोड़ा ब्लॉग बना दूँगा आप लोगों के साथ। तो आज मैंने खाने में भिंडी बना रही थी, तो मैंने कहा भिंडी की एक रेसिपी थी जो मैंने देखी थी, तो मैंने सोचा उसे बना लूँ, उसे ट्राई कर लूँ। तो मैंने अब भिंडी कट करी। मैंने भिंडी पहले तो भिंडी को अच्छे से धो के ना रख दिया था आधे घंटे पहले, ताकि उसका पानी सूख जाए, निकल जाए, पानी साफ़ होके उसमें चिपचिपापन रेसा सन रहे। तो उसके बाद मैंने भिंडी को काटा। भिंडी अगर बड़ी है तो उसे दो हिस्सों में काट दिया, तो उसका चार भागों में उसे काट दिया। और उसके लिए मैंने प्याज वगैरह काटा, तो इतने में मेरी लड़की ने जो है चावल फ्राई करे थे, तो मैंने वो खाने से ऑर्डर मैंने थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो उसके बाद जो है मैंने अपना खाना वाला खा के फिर मैंने प्याज वगैरह काटा। और प्याज कट करके जो है मैंने थोड़ा पहले भिंडी को ना फ्राई कर लेती हूँ हाफ, ताकि वो आधा पक जाए। और फिर उससे मैंने थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया। पहले उसको हल्के से तेल में फ्राई कर लिया मैंने। उसके बाद जो है मैंने उसको तेल गरम करके और फ्राई करने रख दिया था। इतना मैंने जो है दही मंगा के रखी, मुझे दही वाली भिंडी बनानी थी आज। और प्याज मैंने कट कर दी थी, चार प्याज। और जो है तो उसे थोड़ा सा भिंडी को चलाना पड़ता है, अल्टा पल्टी करते रहो थोड़ा, ताकि चिपके ना कढ़ाई में। और इतना मैंने भिंडी मेरी फ्राई हो रही थी, तब तक मैंने दही मंगा दी अपने बेटे से। और जो है प्याज मैंने कट करके रखा, तो इधर भिंडी जो है मेरी हाफ बॉयल हो गई है, हाफ़ हो गई है, मतलब हाफ़ पक गई है। अब थोड़ा इसे पकाना है, सब्ज़ी में ज़्यादा नहीं पकाना है। भिंडी को तो वैसे भी ज़्यादा पकाएंगे तो गल जाएगी पूरी। तो ये यहाँ मैंने जो है भिंडी की जो है सब्ज़ी बनाने की तैयारी मेरी हो गई है। और मैंने जो है तेल गर्म करके थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया उसमें, और जो है जीरा डाल के फिर उसके बाद मैंने उसको प्याज का काट दिया था। फिर मैंने प्याज थोड़ा फ्राई कर लिया। प्याज को फ्राई करने के बाद मैंने दही मंगाई रखी है, और उसके बाद जो है मैंने प्याज को भूना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि बहुत टाइम तभी पूरा होगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। और उसके बाद जो है मैंने प्याज वगैरह भून के रख दिया। हो ही रहा था थोड़ा हल्की फ्लेम पे मैंने गैस करके, तो इतना दही लिया आया था मेरे बेटे, तो मैंने दही में थोड़ा सा मसाले वगैरह हल्दी नमक मिर्च धनिया वगैरह मिला मिक्स करके प्याज तो पहले डाल दिया, तो मैंने उसमें दही मिला दी, फेंट के दही मिला दी। और ये बन गया मेरा मसाला, बन के हो गया है तैयार। और ये हो गई दही वाली भिंडी, तो बहुत टेस्टी हुई थी। नई नई चीज़ देखनी चाहिए ना खाने में, तो बहुत टेस्टी बनी थी ये। राधे राधे दोस्तों, तो यूं ही मेरे उसमें बने रहिए ब्लॉग के साथ, और जो है मेरे ब्लॉग को देखा करें और चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी शॉर्ट वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दें, शॉर्ट वीडियो को भी देखा करें दोस्तों। और ये हो गई मेरी भिंडी की सब्ज़ी तैयार, तो इसे अब थोड़ा सा हल्के फ्लेम में पकाना है, उसके बाद भिंडी की सब्ज़ी होगी तैयार। सबको राधे राधे।